हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। आशा करता हूँ आप लोग मस्ती में होंगे। मेरा नाम निर्भय कुमार है और मैं लुधियाना में नेटिंग डिजाइन और ग्राफिक डिजाइनिंग सिखाता हूँ। आज हम लोग एक टूल्स के बारे में सीखने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी टूल। ये टूल एक क्लास में नहीं खत्म होगा, तो इसका अलग से मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा और एक एक करके इसके टूल समझाऊंगा। आज हम इस पे नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी देखने जा रहे हैं कि ट्रांसपेरेंसी टूल है क्या, इसका इफेक्ट क्या है। क्योंकि अगर आप कोरल ड्रॉ या कोई भी ग्राफिक सॉफ्टवेयर चलाओगे तो उसमें ट्रांसपेरेंसी टूल्स का इफेक्ट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ट्रांसपेरेंसी जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि अगर दो ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं तो इन दोनों ऑब्जेक्ट में, अब जैसे हमने ये रखा है ग्रीन कलर और ये ब्लैक नहीं रखते हम, यहाँ पे कुछ एक दूसरा कलर रख लेते हैं। तो अब ये ब्लैक कलर ऑरेंज कलर ग्रीन कलर से नीचे है, ठीक है। तो ग्रीन कलर हमें दिख रहा है और ऑरेंज कलर यहाँ पे हमें नहीं दिख रहा है। अगर हम ग्रीन कलर की ट्रांसपेरेंसी डाल देते हैं तो यहाँ ऑरेंज कलर का कुछ पार्ट्स हमें दिखने लगे। चलो ये करके देखते हैं। ये है हमारा ट्रांसपेरेंसी टूल, ये हमने क्लिक किया, ये अभी नॉर्मल मोड में है। और ये जो है ये नो ट्रांसपेरेंसी का साइन है, तो आपको यहां से हटा के साइन यहां पे करना हो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी। अभी इन सब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, आप धीरे धीरे समझेंगे हम सब चीज को। तो यूनिफॉर्म ट्रांसपेरेंसी क्या है, इसे हमने क्लिक किया। अब आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो ये आ गया ट्रांसपेरेंट, इस साइड को भी होगी इस साइड को भी होगी, पर यहाँ पे जो कलर बन रहा है वो कौन सा कलर बनेगा, तो ग्रीन और इस ऑरेंज से मिक्स होके बन रहा है, पर कितना मिक्स हो रहा है। क्योंकि अब देखो ये केवल हम अंदाज से नहीं कर सकते कि ये ऐसा कलर बनेगा, आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशंस का पता होना चाहिए। वैसे डिजाइन बनाने के समय आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं चाहिए, पर सीखने के समय आपको चाहिए ताकि आप कुछ नया आइडिया सोच सकते, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम इसका एक कॉपी बना के साइड पे रख लेते हैं। ये हमने एक साइड पे रख लिया। अब इसके ऊपर हमने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दिया नॉर्मल। अब नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी पे यहाँ पे हमारे को ट्रांसपेरेंसी दिखा रहा है 50% का, क्लियर। अब हम देखते हैं इस कलर की प्रॉपर्टी क्या है, उसे देखने के लिए आप कलर आई ड्रॉप टूल ले लो। अब इसके ऊपर हम आते हैं तो हम ये देखते हैं कि ये 255 है, ग्रीन 102 है और ब्लू 51 है, तो ये तीनों में कुछ ना कुछ डाटा है। तो हम ऐसा करते हैं कि इस कलर को एक प्योर कलर ले लेते हैं, जैसे हमने ये रेड ले लिया। तो रेड में क्या है कि केवल रेड ही 255 है। ये जो 255 है ये RGB का मैक्सिमम नंबर है, इससे ऊपर आप नहीं डाल सकते, ठीक है। इसे भी हम प्योर में ले लेते हैं, प्योर में ने इसे ग्रीन ले लिया, ठीक है। अब हम आते हैं इस पे और यहाँ से चेक करते हैं। अभी तो ये ट्रांसपेरेंसी क्या हुआ है, हम इसकी ट्रांसपेरेंसी हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हम इसे चेक करते हैं, ये ग्रीन 255 है, ये R255 हो गया, ये ग्रीन 255 हो गया, ठीक है। अब हम इस ग्रीन 255 में हमने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई कर दी, हमने अप्लाई की 50% ट्रांसपेरेंसी। अब हम इस एरिया में आके चेक करते हैं कि यहाँ क्या है।
आप ये देखो यहाँ पे ग्रीन उतना का उतना ही है, 255, ठीक है। अब 255 का आधा कितना होता है, तो अप्रोक्सीमेटली होता है 128 के आसपास, 128 27, ठीक है। 27 में 254 हो जाएगा, और मतलब 27.5 होता है, तो इन्होंने 27 लिया हुआ है। 50% 50% वो ऐड कर रहे हैं आर को, और 50% वो ऐड कर रहे हैं ब्लू को, पर ग्रीन उतना का उतना ही रह रहा है, क्लियर है। अब इस जगह पे क्या हो रहा है, इस जगह पे क्योंकि बैकग्राउंड में हमारा आ गया रेड कलर, तो रेड क्या था, अगर बैकग्राउंड में देखोगे तो आपका रेड 255 है, तो उसको ये रिड्यूस कर देगा 50% पे, ठीक है। और ये ग्रीन जो था हमारा, इसको भी रिड्यूस कर देगा वो 50% पे, तो 127 और 128 हो गए, ठीक है। 127 127 ही मान लो, ठीक। पर यहाँ पर कंप्यूटर अपने हिसाब से एक ऊपर एक नहीं, क्योंकि 127.5 होता है एग्जैक्टली 50%। तो ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी क्या काम कर रही है, जब उसके बैकग्राउंड में ये कलर रहेगा, मतलब व्हाइट कलर रहेगा या नो कलर रहेगा, तो वो 50% ऐड कर देगी दोनों कलर्स को। अब आप इसको एक अलग एग्जाम्पल से आप इसको ध्यान से समझो। अब एक एग्जाम्पल में हम क्या करते हैं, ये ले लेते हैं ब्लैक कलर, उसके बाद थोड़ा डार्क कलर, उसके ऊपर और थोड़ा डार्क कलर, ये सारे डार्क कलर परसेंटेज में है, वो मैं आपको बताता हूँ। ये उससे डार्क, ये उससे डार्क, ये उससे डार्क, और ये उससे डार्क। अब ये देखो आरजीबी में ब्लैक कलर तो होता नहीं है, रेड ग्रीन और ब्लू होता है। अभी हम सीएमवाईके की भी बात करेंगे। अभी आरजीबी में रेड ब्लू और ग्रीन तीन कलर होते हैं, तो अब इसके कलर को हम अगर आई ड्रॉपर से लेके देखेंगे, तो ब्लैक कलर का मतलब होता है 0 0 0, ना उस पे रेड है, ना उस पे ग्रीन है, ना उस पे ब्लैक है, ठीक है। अब अगर हम इसको लेंगे तो यहाँ पर तीनों कलर 255 है, मतलब इसके अंदर सारे कलर प्रेजेंट है। आप बोलोगे यार व्हाइट है इसके अंदर तो कुछ नहीं है, पर आप ऐसे भी अगर देखे होगे अगर साइंस में, तो व्हाइट कलर के अंदर आपके सातों कलर होते हैं, वहां पर सात कलर लेते हैं, लेकिन कंप्यूटर में हमने जो बेसिक कलर है वो तीन लिया हुआ है, आर जी। इसके अलग अलग अपने अपने मोड हैं, ठीक है। अभी हम आरजीबी मोड की बात कर रहे हैं, केवल आरजीबी में ट्रांसपेरेंसी अलग तरीके से काम करेगा, सीएमवाईके में अलग तरीके से काम करेगा, ये आपको समझना जरूरी है। और आप सॉफ्टवेयर चेंज करोगे तो हर सॉफ्टवेयर में वो अलग तरीके से काम करेगा, ये अभी जो हम बता रहे हैं ये केवल कोरल ड्रॉ के बारे में बात की जा रही है। कोरल ड्रॉ में भी केवल कोरल ड्रॉ जिसको जिस जहां पर हम वेक्टर इमेज बना रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, कोरल फोटो पेंट की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। पर उस पे भी लगभग सिमिलर ही है, क्योंकि बेसिक थ्योरी कोरल की सेम है, चाहे आप उसकी कोई भी सॉफ्टवेयर चलाओ। अब यहाँ पे आने के बाद अगर हम इसी ग्रीन को यहाँ पे रखते हैं शिफ्ट पेज, अब से ये पेज के ऊपर आ जाए, अब सबसे पहले देखते हैं इन कलर्स का क्या है। ये अगर यहाँ पर आप जाके कलर को देखोगे, ठीक है, तो ये 90%, ये 80%, ये 70%, इस तरीके से परसेंट वाइज दिखा रहा है। और अगर हम यहाँ आके देखेंगे तो यहाँ पर आपको आरजीबी 0, यहाँ पर 10% ऐड कर गया, तो 10% कितना होगा, 255 था, उसका 10% अप्रोक्सीमेटली 626 हो गया। तो आप ये देखोगे आगे सब 26 ऐड होता जा रहा है, ठीक है। देखो ये 26 ऐड हुआ, फिर ये 26 ऐड हुआ, तो अप्रोक्सीमेटली 52 आना चाहिए, वो 51 कर दिया, ठीक है। फिर यहाँ पे 26 ऐड हुआ,
तो हमारे को ठीक है इतना ही आना चाहिए, 77 आना चाहिए, वो आ रहा है। इसी तरीके से 26 26 26 ऐड करते करते ये लास्ट में हमारा वाइट पहुंच गया, वाइट में हमारा 100% हो गया। ठीक है, अब ये बैकग्राउंड में हमने ये ले लिया कलर। अब यहां पर आके हम इस जगह पे देखते हैं, तो ग्रीन हमारा कितना था, ग्रीन हमारा था 255। ठीक है, तो यहां पर ग्रीन 50% हो गया सीधा, क्योंकि हमने ट्रांसपेरेंसी 50% की लगाई है, तो यहाँ पे ग्रीन 50% हो गया 128। उसी तरीके से आप ऊपर देखोगे तो यहां पर आप, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पर हमारा 10% ऊपर चढ़ रहा है, यहाँ पर वो 50% हो गया, 10% का 50% यानी 26 का आधा, तो वो लगभग 13 होना चाहिए था। ठीक है, तो 13 12 13 12 किस केस पर, यहाँ पर 12 हो गया, और उतना ही वो घट गया ग्रीन से। आप यहाँ पर देखो ग्रीन है, ठीक है, और उतना ही हमने ग्रीन वहां पर एडिशनल हमारी बढ़ गई। ठीक है, अब आगे ऊपर जाएंगे उतना ही ग्रीन और बढ़ जाएगा, और ये उतना बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये बढ़ता जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, ये नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहा हूँ, और ये बढ़ते बढ़ते जब ये एक समय में 255 पहुंच जाएगा, ये देखो यहाँ पे ये 255 पहुंच गया, लेकिन बाद बाकी जो दो आर और बी, ये दोनों अपने 50% पे पहुंचे हैं। ठीक है, क्योंकि हमने 50% का ट्रांसपेरेंसी लगाया हुआ, तो इस जगह पे हमारे को ट्रांसपेरेंसी जो जी का है वो हमारे को 255 दिखा रहा है। क्लियर, तो आशा है आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा आरजीबी के साथ ये कैसे काम कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम इसे सेलेक्ट करके और बिट मैप में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये देखो इफेक्ट लगभग सेम रहता है। ठीक है, पर अगर हम यही काम थ्रू सीएमवाई के करें, ये सीएमवाई के है, ये जो कलर है यहाँ पर ये आरजीबी कलर है, ये देखो आरजीबी पैलेट था जो मैं पहले यूज कर रहा था। ठीक है, अब जो मैं यूज कर रहा हूँ वो सीएमवाई के है, ये सीएमवाई के पैलेट है। अगर आपको ये पैलेट निकालने हो तो आप कंप्यूटर में विंडो में जाओगे, विंडो के अंदर कलर पैलेट है, यहां से आप आरजीबी निकाल सकते हो, यहां से आप सीएमवाई के निकाल सकते। ठीक है, अब अगर हम सीएमवाई के में सेम काम कर दें, जैसे ये है ब्लैक 100%, अब यहाँ पे ये देखो अलग तरीके से दिखाता है, ये CMYK, सी बोलते हैं साइन, मैजेंटा येलो और के ब्लैक के लिए आता है। क्लियर है, अब यहाँ पर हम सेम, ये 90% हो गया, और इनके कलर में भी देखो डिफरेंस आएगा आपको। ठीक, तो उसके बाद हम 70% में आ जाते हैं, फिर ये आ गया हमारा, यहाँ हमने गलती कर दी, ये आ गया हमारा 90%, ये है 90%, उसके बाद ये आ गया 80%, और ये हो गया 70%, और ये हो गया भाई साहब 60, 50, 40, 30, ये आ गया। इस ग्रीन को भी हम यहाँ से ले लेते हैं, लेकिन जो हमारा ये ग्रीन है ये सेम ग्रीन सीएमवाईके में नहीं मिलेगा आपको, मतलब मिल जाएगा लेकिन उसका जो परसेंटेज है वो अलग होगा। तो यहाँ पर हम परसेंटेज वाइज हमें कोई ऐसी चीज लेनी है जो अपने एरिया में सेम परसेंट हो, जैसे अगर हम इसको ले लेते हैं रेड को, येलो को ले लेते हैं, तो ये येलो 100% है, तो हम येलो ले लेते हैं ताकि एक हमारे को येलो का पता चल जाए कि ये येलो 100% है। ठीक है, और ये था हमारा के 100%।
फिर 90, फिर इसमें 100 से ऊपर नहीं जाएगा, उसमें 255 था, यहाँ 100 पे चली गई कैलकुलेशन सारी, ठीक है। अब ये ऊपर पहुंचते पहुंचते व्हाइट 0 हो गया, पर वहां पर याद करो व्हाइट सबसे मैक्सिमम नंबर में था, ठीक है। तो यहाँ इसका सिस्टम उल्टा है, ठीक है। अब इसको हमने ट्रांसपेरेंसी कर दी और सेम इफेक्ट डाल दिया 50% पे, तो ये इफेक्ट लगभग सिमिलर आ रहा है, ठीक है, देखने में। लेकिन अगर आप यहां से इसका कैलकुलेशंस देखोगे, तो इसकी पहले ये कैलकुलेशन देखते हैं, ये हमारा 50% हो गया एज इट इज, जैसा आरजीबी में हो रहा था, और ये हमारा 50% हो गया, और 50% के ऐड हो गया, मतलब एक घट गया हमारा। अब ये 90% था, 90 का 50% हो गया 45, ये 80% था, 80 का 50% हो गया 40। तो इस तरीके से केवल इन्हीं दो कलर्स में चल रहा है, जो सी और एम में कोई चेंजेस नहीं आ रही है, साइन और मैजेंटा एज इट इज है, वहां पर हर चीज चेंज हो रहा था, क्लियर है। अब उसके बाद एक मेजर डिफरेंस जो CMYK के साथ आपको मिलेगा वो ये है कि अगर आप इसे सेलेक्ट करके इसे अगर आप कन्वर्ट टू बिट मैप करोगे, ठीक है, तो जो है इसके इफेक्ट में थोड़ा सा आपको डलनेस सा नजर आएगा, और आगे जो ट्रांसपेरेंसी आएगी उसमें तो इसके इफेक्ट बिल्कुल खराब हो जाते हैं, ठीक है। चलो वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आशा है कि आपको नॉर्मल ट्रांसपेरेंसी अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। अगर इस पे किसी तरीके का आपको कोई प्रॉब्लम है या किसी तरीके की क्वायरी है, कमेंट करो, मैं कोशिश करूंगा उसका आपको जवाब देने का। थैंक यू वेरी मच।